लिहाज से, मगर ये कंफ्यूजन भी चलता है कि अलीराजपुर में भवरा क्या नाम का है, कंफ्यूजन क्या है, कुछ लोग कहते हैं वहाँ पैदाइश है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पैदाइश है। साजिश के अंतर्गत क्या साजिश? साजिश ऐसे कि जब तक उनकी माता जी रही 51, हम 1951 तक जीवित रहे, कोई विवाद नहीं था, मेरी विवाद ये बुंदेलखंड के उन्हीं के क्रांतिकारी साथी जो थे बुंदेलखंड के 4-5 लोग, वो जीवित बचे थे, और बाकी जो शहीद हो गए लड़े वो लोग किस तरह से बचे ये इतिहास आज भी गवाह है, बचे कैसे थे वो। उन लोगों ने साजिश रची, किताबें लिखी, भ्रमित किया कि आज़ाद जी वहाँ, जबकि सच्चाई यह है कि आज़ाद जी जब 12 वर्ष के करीब थे, 11-12 के थे, यहाँ से उनके पिताजी नौकरी करने गए थे, अलीराजपुर स्टेट थी उस समय राजा की, तो वहाँ पे उनको माली का काम मिला था, राजा के बगीचे के रखवाली और माली के काम, 5 रुपये महीने, तो वहाँ रहे आज़ाद जी। यहीं जब थे बचपन से, कक्षा 4 तक यहाँ पढ़े थे, वो बहुत ही निशानेबाज थे, गुलेल से निशाना यहीं लगाना सीखा, गुलेल रखते थे, और बहुत ही निडर थे, अन्याय बर्दाश्त नहीं था उनको, यहाँ के भी उनके किस्से हैं काफ़ी बचपन के, हम लोग सुनना चाहेंगे वो किस्से। अब जैसे यहाँ सामने विद्यालय था, अब तो भवन बन गया, पहले छप्पर रखे गए थे, तो कच्चे चबूतरे पे, तो उस समय अंग्रेज पुलिस एक सामने इधर इसके पीछे कल्लू पासी लगा नहीं दे पाए उन लोग, तो अंग्रेज पुलिस उसके घर की कुर्की कर दिया था, सारा सामान घर का जो टूटा फूटा बर्तन बाड़े बिस्तरा थे वो मटकी मटका था, वो निकाल के बाहर रख दिया था, उसको लाठी से पीट रहे कि लगान क्यों नहीं। आज़ाद जी वहाँ स्कूल में थे, देखा होगा, तो वहाँ से दौड़ के आए और यहीं ये महल बनाए, इसे किनारे से घोड़ा उठाया पक्का ईंटा और उसके मार दिया, मत्थे पे लगा, फूट गया। तो 11-12 साल के रहे होंगे? हाँ 10-11 साल के रहे। अच्छा, सर फूट गया, मत्था उसका अंग्रेज का, गुंगा हो गया, अब और मार के ये भग गए, यहाँ से हट गए, अब उसमें फोन निकला, तहलका मच गया, पूछा पाछा होगा किसका लड़का कहाँ रहता, तो बताया सीताराम तिवारी का लड़का है, और आज़ाद जी वहाँ से भाग के घूम के अपने घर के अंदर चले गए, पहुँच गए सदा फोर्ट, वहाँ बुलाया सीताराम, उनसे पूछा लड़का कहाँ तुम्हारा, तो बोले तो बताया कि हमारा बहुत गर्म हुए अंग्रेज थे, तो उस समय आज़ाद जी को लाए पिताजी बाहर, उनको क्यों मारा इनको, इतने बड़े अधिकारी हैं तो तुमने ईटा क्यों मारा, तो कह लगे वो बुढ़े बाबा को पीट रहे थे, लाठी लाठी चला क्यों पीट रहे थे, इसलिए हमने गुस्सा आया, हमने मार दिया, बहुत किस्से आ गए। जब वो वहाँ चले गए, अब वो उस समय बहुत ही आदिवासी पहाड़ी जंगली क्षेत्र था अलीराजपुर स्टेट का, बोली भाषा अलग थी, मड़ैया रहने के बने थे, इनको थोड़े दिन रहे तो अच्छा नहीं लगता रहा, राजा के यहाँ अलीराजपुर स्टेट में बम्बई से व्यापारी वगैरह आया करते थे, नगों के हीरे जवाहरात, व्यापारी एक आता था उसी के साथ आज़ाद जी वो अपने साथ ले गया इनको बम्बई, हाँ जैसे भी तैयार किया हो इनको ले गया, और यह बिना बताए वहाँ से चले गए। अब जब दिन भर गायब रहे वहाँ से, तो माता पिता सब खोजबीन चालू हुई, रात होने लगी, रोना धोना इनका चालू हुआ, बेटा मेरा कहाँ गया, भाई राजा के लोग भी ढूंढते रहे, कई दिन बीत गए मिले नहीं, तो वो माँ बाप रो पीट के चले आए कि हमारे बच्चे को कोई जंगली जानवर यहाँ खा गया, और ये पहुँच गया थे बम्बई, वहाँ व्यापारी के साथ थोड़े दिन रहे, उसके बाद बंदरगाह पे ठेकेदार के अंदर में जहाज़ों की रंगाई धोताई का काम भी किया इन्होंने, उसके बाद फिर एक होटल में काम किया, खाना देना, बर्तन धोना, सफाई करना, ये भी काम किया,
उसी समय बनारस के मास्टर साहब संस्कृत विद्यालय के जो डॉक्टर संपूर्णानंद जी का नंद किशोर गुप्ता, ये गए थे बम्बई अपने किसी पर्सनल काम से, और सहयोग से उसी होटल में ये खाना खाते थे, करीब हफ्ता 10 दिन रुके वहाँ। इनकी नज़र इन पे पड़ी, उन्होंने अनुभव किया कि ये किसी अच्छे कुलीन परिवार का है और यहाँ झूठे बर्तन धो रहा है। तो चुपचाप एक दिन उससे पूछा कि तुम कहाँ रहने वाले, यहाँ कैसे काम कर रहे हो, बर्तन झूठे सब धो रहे हो, तुम अच्छे घर के लगते हो। उन्होंने बताया होगा जी, फिर इनको समझाया एक दो दिन कि तुम हमारे साथ चलो बनारस, वहाँ तुमको विद्यालय में नाम लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, और विद्यालय में रहने की जगह मिलेगी, खाना भी मिलेगा, तुमको कपड़े भी मिलेंगे। काशी विद्यापीठ संस्कृत विद्यालय संपूर्णानंद तो यहाँ चलो हम तुमको रखेंगे। खैर वो समझा बुझा के इनको सीधे बनारस ले गए, वहाँ पढ़ाई चालू की संस्कृत विद्यालय में। वहीं से पहला जुलूस निकाला था साइमन कमीशन के विरोध में, पूरे देश में चल रहा था नॉन कोऑपरेशन। तो ये जुलूस में झंडा लेके आगे चले, पूरे बच्चे स्कूल के पीछे भारत माता जिंदाबाद इनकला जिंदाबाद नारे लगाते हुए बनारस गोदौलिया चौराहे पे पहुँचे। वहाँ फोर्स लड़ा था, अंग्रेज पुलिस सब इनको रोका और इनको डांटा डपटा, समझाया भी ये झंडा फेंको, तुम लोग जाओ पढ़ो जाके, अभी उम्र तुम्हारी पढ़ने की। ये भिड़ गए कि हम झंडा तो नहीं फेंकेंगे, तुमको पटक देंगे। गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि नाबालिग थे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। 15 साल के थे? हाँ 15 साल के थे। ये वही किस्सा है जब उनसे नाम पूछा गया, नाम पूछा गया, बोले आजाद, तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि आजाद, पिता का नाम स्वाधीन बताया, माता का नाम भारत माता, और घर का पता जेल खाना बताया। अब जज साहब नाराज हो गए, जज अंग्रेज जज था, आग बबूला हो गया सुन के। लेकिन अब ये नाबालिग थे तो 14 कोड़े की सजा मिली। 14 कोड़े उस समय जल्लाद हंटर चला था, पूरे कपड़े उतार के एक टिकती पे हाथ पैर बांध के इनके पीठ पे 14 कोड़े लगे, सारा शरीर तो लहूलुहान हो गया। अल्लाह वारिस ने इनको सड़क पर फेंक दिया। फिर वहीं बनारस के लोगों ने, संपूर्णानंद जी ने और सब राष्ट्रभक्तों ने सेनानियों ने इनका इलाज कराया, ठीक हुए। और फिर वहीं जनता की मांग पे एक दिन एक सभा बुलाई गई। जनता चाहती थी कि कौन सा लड़का हम लोग देखेंगे उसको, कितना निडर लड़का कौन बहादुर। फिर इनको सभा में बहुत भीड़ हुई थी बताते हैं उस समय। वहीं उसी सभा में इन्होंने संकल्प किया था कि आज के बाद से मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, अंग्रेज पुलिस न मुझे जिंदा मार सकती है न मैं पकड़ सकती। और वो प्रतिज्ञा अंत तक होगी। हम लोग इस वक्त बदरका गांव में हैं, उन्नाव के। उन्नाव में हमारी यात्रा पहुंची हुई है। तो बदरका गांव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मस्थली कही जाती है। तो हम यहां पर कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ बैठे हुए हैं, जिनको जैसे आपने किस्से सुने वो किस्से हमें सुना रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के। तो ये जो आप किस्से सुना रहे हैं, ये किस्से आपने कैसे सुने, कहाँ से सुने, ऑथेंटिक कितने हैं? जैसे वो जो वाला है जस्सा वाला, वो तो हम लोगों ने सुना हुआ है, बाकी हाँ, चीज़ें ये किससे यहाँ के गांव के जो लोग बुजुर्ग थे उस समय के, वो सब बताते चले आ रहे थे। आज़ाद जी के साथ जो पढ़े थे बुजुर्ग थे, हो गए अब तो रहे तो नहीं, माता जी यहीं रही, माता जी से प्रमाणिक और कुछ हो नहीं सकता किसी भी बेटे के लिए। अशोक तिवारी जी, माता जी से, जो हर वर्ष उनकी आजाद जयंती मनाई जाती है, ये माँ उनकी जगरानी, पहले ये उनके मृत्यु के बाद से मृत्यु की सूचना भी डॉक्टर, जब वर्ष 1938 में डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जो स्वयं में बहुत बड़े सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षाविद रहे, यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, वो सन 1938 में यहाँ आए। उनके साथ में कई क्रांतिकारी जीवित साथी लोग भी आए थे
और आजाद जी के घर पे गए थे, तब माता जी यहीं थे। घर यहाँ से कितना कहाँ पे? घर बहुत नजदीक में। कोई रहता है वहाँ पर भी? नहीं, परिवार कोई नहीं रहता है, बना दिया गया है संग्रहालय। कच्चा घर था, परिवार का कोई नहीं? नहीं, परिवार वो समय जब घर पे गए काफी भीड़ हुई थी, बहुत से क्रांतिकारी लोग भी आए थे जी। तो संपूर्णानंद जी ने माता जी से पूछा कि आजाद की कोई निशानी आपके पास हो तो वो हमें दिखावें। तो माता जी बिलखते हुए अंदर गईं और दोनों चीज़ें लाई, एक उनकी जन्मपत्री थी जो जन्म के समय यहीं बदरका गाँव ही के पंडित जी ने लिखी थी, बनाई थी, और एक उनका छोटा सा छबला था, जब बच्चा जन्म लेता तो उस समय पहनाया जाता हाथ का सिला हो गया। दो चीज़ें मटकी से निकाल के लाई। तो संपूर्णानंद जी ने मैं हाथ में लिया, लेकिन अगला माता जी ने उनके हाथ में नहीं लिया, वो अपने सीने से लगाए गई और जन्मपत्री दिया था कि उनका घर का नाम चंदू था आजाद जी, कि हमारा चंदू अपने हर जन्मदिन पर बसगट पे यहाँ आता था हमारे पास, गुलगुले बहुत शौक था खाने को, काले तिलपड़ा दूध जरूर पीते, तो इनका जन्मदिन जरूर मनाते रहना वर्षगांठ और गुलगुले बना। तो यहाँ की परंपरा है कि हर 7 जनवरी के दिन घरों में गुलगुले बनते हैं, बदरकई ने आसपास के गांवों में अभी भी बनते हैं, परिपाटी बनी हुई है। हाँ, आप ये बात बना बताते हुए भावुक हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। भावुकता वाली बात होती याद आती पुरानी बात है। आजाद जैसा ऐसा युवा पूरी दुनिया में न कभी हुआ था न आज तक हुआ, देश की तो बात छोड़ो, इतना महान राष्ट्रवाद, निडर और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता थी उनमें। कभी 25 साल जीवित रहे करीब, उसमें कभी छिपे नहीं, कहीं फरार घोषित रहे लेकिन कहीं छिपे नहीं, मैदान में रहे, भिड़े रहे। उन्होंने उनका कहना था कि ब्रिटिश हुकूमत शाही लंदन में कोई ऐसी गोली नहीं आज बनी है न बन पाएगी जो मेरे सीना छेद सके। वो अपना संकल्प उन्होंने पूरा किया। तो आजाद जी के बहुत क्रांतिकारी साथी लोग आते रहे, 1938 से लगातार अनवरत रूप से प्रत्येक वर्ष 7 जनवरी जन्म समारोह मनाया जाता है यहाँ, जो 6 तारीख को शुरुआत होती है, 7 को मुख्य दिन होता है, और इसमें अपने देश प्रदेश विदेशों के भी लोग शामिल होते हैं, आते हैं बड़े शान से गर्व के साथ। भारत में अपने देश में 3 प्रधानमंत्री रह चुके लोग यहाँ आ चुके हैं जन्मदिन पर श्रद्धांजलियाँ दी, तमाम राज्यपाल चौधरी चरण सिंह भी रहे, वो 2-3 बार आए यहाँ जन्मदिन पर, इंदिरा जी भी आई हैं, इंदिरा गांधी, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह भी आए हैं, प्रधानमंत्री रहे, कोई मंत्री, अगर इन लोगों की भी एक किताब बन जाए इतने नाम दर्ज हैं, और सब लोग यहाँ आते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और बदरका को देश का ही नहीं विश्व स्तर का एक प्रेरणा केंद्र बनाने की बात करते हैं, वादा देते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक वो सब वैसा कुछ। ये मैं पूछने जा रहा था कि आपने कहा लोग आते हैं, 3 प्रधानमंत्री आए, अब भी सरकारों को लोग आते जाते रहते होंगे। 12-13 में भारत सरकार ने इसे पर्यटन केंद्र घोषित किया था। कब किया था? 12-13 वर्ष 12-13 में 2012-2013 इसे पर्यटन केंद्र आजाद जन्मस्थली बदरका को घोषित किया। और यूपी सरकार ने, केंद्र सरकार? केंद्र सरकार। अच्छा, उस समय तो बहुत काम सहाय पर्यटन मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री थे, वहाँ कैबिनेट में पास किया था, तो घोषित किया, और यहाँ की विकास कार्यों के लिए करीब 22 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। तो मैं तो अभी घूम रहा था और जो स्मारक स्थल है वहाँ भी होकर आया ना, मुझे वहाँ की स्थिति अच्छी नजर आई, बदहाली है बिल्कुल, और ना ही गाँव में ऐसा कुछ नजर आ रहा भाई, जैसे सभी गांव होते हैं नॉर्मल वैसे ही गांव है। उस योजना के अंतर्गत फिर बीजेपी की सरकार बनी, डॉक्टर महेश शर्मा पर्यटन मंत्री थे, 2015 में शायद अप्रैल में वो यहाँ आए पर्यटन मंत्री जी केंद्र के, और एक बड़ा सा पत्थर लगा गए और वादा कर गए थे कि 1 महीने के अंदर
यहाँ हमारी दिल्ली से टीम आएगी और बहुत ही प्रेरक राष्ट्रीय प्रेरक केंद्र बनाएगी। अच्छा, बहुत योजनाएं तो फिर तो बन गया होगा अब तक। अब आप आ गए हैं, अब आप देखिए सरकार तो मतलब देश को अधिकारियों को देशभक्तों के लिए तो बड़ी बड़ी बात है, देश के सामने भी दिखाइए कि यहाँ क्या विकास। अभी आपको उनका पर्ची आवाज हम दिखाएंगे तो प्रणाली की स्थिति आपको पता चल जाएगी क्या स्थिति है। नहीं, जिसे आपने बताया 2012-13 में फंड रिलीज हुआ, रिलीज हुआ था, फंड क्या हुआ, क्या हुआ उसमें? 1,18,00,000 रुपए प्रदेश सरकार के पास आ गए, लेकिन वो पूरा साल पड़ा रहा। बहुत हम लोग सब लोगों ने प्रयास किया, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से भी बात हुई। क्या बोले अखिलेश यादव? फाइल टेबल पे मंगवा लेते थे, हाँ बहुत जल्दी हम शुरू करा रहे, हम आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। अच्छा। और अंत में हुआ है कि वो सारा रुपया फिर वापस ले लिया। अच्छा, मतलब पैसा आया 3 वर्ष के बाद, पैसा खर्चा नहीं हुआ, पैसा वापस चला गया। वापस वादे बहुत हैं, वादों में तो एक महाभारत की किताब लिख जाए। अच्छा, कितने लोगों के वादे, हर विपक्ष पक्ष विपक्ष के सारे लोग आते हैं 7 जनवरी जन्मदिन पे, सब एक मंच पे बैठते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और जय जयकार होती है उनकी जी। जनता भी, हम सब बहुत खुश हो जाते हैं कि अब चलो भदरका के दिन बहुरेंगे। मतलब हर 7 जनवरी को भदरका के लोगों को, आप लोगों को लगता है कि सब इतने लोग आए हैं, नेता आए हैं, लेकिन हमें तो शायद कुछ हो जाएगा। आजाद को लेकर पूरा क्षेत्र अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, सब जगह लोग जाते हैं कि हम वहाँ के हैं जहाँ के आजाद की जन्म स्थली है भदरका। गर्व होता है, हमें भी गर्व है कि हम ऐसे गाँव में जन्मे, ऐसे परिवार में जन्मे, सेनानी परिवार हमारा भी है जी, तो गर्व होता है। जैसे कि अब फिलहाल ये भगवंत नगर विधानसभा लगी और प्रदेश, हाँ प्रदेश में बीजेपी सरकार है और यहाँ से जो विधायक है, सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र जी, सबसे बड़े विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष भी है जी, तो उनकी तरफ से क्या प्रयास किए गया कि आप लोग गए उनके पास, जो इतने फंड रिलीज हुए वो वापस यहाँ पर आए विकास को, या जो जन्मस्थली है उनका पैतृक आवास है, आप बता रहे खराब। अभी पिछले महीनों यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भदरका के लिए 50,00,000 रुपए दिए थे, स्वीकृत किए, और यहाँ के जो विधायक जी हैं, हृदय नारायण जी दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष हैं, सर्वोच्च पद पे हैं, उनके अगुवाई में यहाँ आज़ाद स्मारक पे कुछ काम चल रहा है, निर्माण काम चल रहा कहने पर। हाँ, वही लेकिन तो जैसा देख क्या है, काम तो जैसा विकास होना चाहिए यहाँ का, वो उस अनुरूप तो यहाँ कुछ भी नहीं, आंसू आ जाते हैं, लोग रोने लगते हैं यहाँ के हाल देख के, इतना बदहाल पड़ा है। वहाँ पे एक सफाई कर्मचारी तक नहीं, ना अंडरटेकर है, कुछ नहीं, बहुत वादे सब कर लेते हैं, जिला प्रशासन भी 3 दिन यहाँ लगा रहता है कार्यक्रम, जब कार्यक्रम होता है तो एकदम पिंच कर देते होंगे साफ सफाई। 75वां जो जनपद का अमृतोत्सव मनाया गया वो भदरका में ही अधिकांश आजादी का अमृत महोत्सव, उन्नाव जनपद की शुरुआत आजादी स्मारक और समापन, समापन भी यही हुआ। उस समय बहुत चकाचौंध होती, अच्छा, लेखपाल से लेके DM तक बीच में घूमते पूरा दिन, हर पूरा समय रात देते हैं रात तक, लेकिन उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। मतलब जब कार्यक्रम कोई बड़ा होता है, जैसे आजादी का अमृत महोत्सव का आप जिक्र कर रहे हैं, तो सब एकदम टिंच हो जाता है, सब साफ सफाई कार्यक्रम में तो रहते हैं। हाँ। लेकिन कार्यक्रम के बाद वो कुछ भी नहीं, कोई स्थायी ऐसी व्यवस्था नहीं कि सरकारी अमला, वो जो कार्यक्रम होता है उसमें आम जनता को भी नहीं कहा जाता है कि शोहरत नहीं की जाती है, सरकारी अमला ही उसमें सब कुछ होता है, गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं, गांव के व्यक्ति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, जो ब्लॉक है या जिले का जो भी अधिकारी के अंदर ब्लॉक आता है वही कार्यक्रम सब करते हैं, वही उनके पास मंच होगा, वही कार्यक्रम निर्धारित करेंगे, वही क्रियान्वित करेंगे, और गांव से नहीं, गांव के लोग शरीक तो रहते हैं। जन्मदिन समारोह होता 3 दिन, हाँ। तो वो हमारा चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक ट्रस्ट समिति के तत्वावधान में होता है और सन 1938 से बराबर मनाया जा रहा है। उसमें आप देखें कि
तीन दिन में लाखों लोग आते हैं बिना बुलाए हुए, अपार भीड़ होती है, सरकारी प्रदर्शनियाँ भी लगती हैं विभागों की, मंत्री राज्यपाल भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आए हैं, गैर प्रदेशों से भी राजनेता आते हैं। आज़ाद जी का घर है, सन 1985 में यहाँ नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, वो लगातार आते रहे यहाँ बदर का आज़ाद स्मारक जन्मदिन पर, और उन्होंने पुराना घर था आज़ाद जी का, हम सब ने देखा उनका कच्चा मकान था, उसको आज़ाद मंदिर के रूप में पक्का संवारा गया था। आज़ाद जी माता जी की भी प्रतिमा लगी है, लेकिन उसका अब रख रखाव जर्जर हो रहा है और लगता है कुछ ही वर्षों में वो खंडहर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने कभी, आप लोग बुजुर्ग हैं, आप ट्रस्ट में भी आप लोग जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की, तो आप लोग कभी जाके विधानसभा अध्यक्ष जी या प्रदेश सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास, या केंद्र में बीजेपी की सरकार है उसके किसी पर्यटन मंत्री नेता के पास जाके चिट्ठी भेज के शिकायत आप लोगों ने की कि भाई इतने वादे, इतना पैसा पहले से रिलीज होना था, सब चीज़ें प्रोग्राम बन चुके हैं, फिर यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा, आप लोगों को भी चर्चा की जाती? चर्चा की जाती, जाते प्रयास बहुत होते हैं, लेकिन वो अब एक संयोग है या विडम्बना कहें कि सामने बैठ के तो बातें अच्छी होती हैं, हम भी खुश हो जाते हैं कि हाँ अब कुछ हो। किससे बातचीत, आखिरी बातचीत किससे हुई थी आपकी? विधानसभा अध्यक्ष जी से सर्वोच्च, तो यहाँ और ये हमारे ट्रस्ट के पदेन विधायक, अच्छा, 5 लोग शासन आदेश के अंतर्गत पदेन है, जिसमें उन्नाव जनपद के जिलाधिकारी, जिला पंचायत का अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक और सांसद, और बदर का ग्राम प्रधान, ये पदेन 5 लोग गवर्नमेंट नॉमिनी, ये नॉमिनी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अब विडम्बना है या दुर्भाग्य है, क्या बताएं, कुछ विकास वैसा कुछ नहीं। आज़ाद जी की स्मृतियाँ हमारे पास तो भंडार है, किस तरह का जन्मांक भी है उनका, जो सरकारी योजनाएं बनी हैं, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में यहाँ के लिए प्रस्ताव पास हुए, सबका रिकॉर्ड हमारे पास काफी है। अच्छा, आपको मुझे दिखाएंगे आपको 4-6 घंटे में रात हो जाएगी, आप रिकॉर्ड देख नहीं पाएंगे जितना इनके पास संचय है, संकलन किया है। आज़ाद स्मारक ट्रस्ट समिति का गठन डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने और माता जी ने, आज़ाद जी की माता जी ने, उन्हीं के समक्ष घर पे कटे हुआ, माता जी संरक्षक थी, बनाई गई थी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, और हमारे पिताजी डॉक्टर ब्रजकिशोर जी शुक्ला उसके महामंत्री थे, आजीवन रहे, और उन्हीं के अथक प्रयासों से ही ये यहाँ कुछ हो पाया जो स्मारक स्थल जिस स्थिति में भी है जो बन पाया, तो वो अपना जीवन आज़ाद जी के लिए समर्पित किए रहे और जनसेवा, इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ किया ही नहीं, न घर परिवार की चिंता थी कि खाने पीने को है घर में, क्या है क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं था। तो मतलब एक तरीके से, जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं, तमाम योजनाएं बनी, तमाम पैसा रिलीज हुआ, चाहे वो पिछली सरकारों के द्वारा किया गया हो चाहे अभी नई सरकार, पर कुछ जमीन पर पहुंचा नहीं, तो ये एक तरीके से धोखा ही हुआ इस बदरका गांव, चंद्रशेखर आज़ाद जी के गांव के साथ, अगर इसको धोखा कहें तो गलत नहीं होगा। सरकार के द्वारा दो कार्य यहाँ हुए जो क्रियान्वित हुए, ये जो आप जो चार दीवारी देख रहे हो स्मारक की, और पूरे गांव का को खरंजा युक्त किया गया है, ये और दो 76 और इसके बाद एक कार्य और हुआ है 73-74 में बेनी सिंह अवस्थी जी के द्वारा, उन्होंने घोषणा की मंच से एक उनको ज्ञापन देना था कि इसमें कुछ गांव के पानी की मांग की गई थी, कुछ हैंड पाइप या इस टाइप के हो जाए, तो उन्होंने कहा कि बोले नहीं, ये कहा गया था इसमें कुछ पानी की समस्या है, तो बोले हमने पानी दिया, टंकी दिया, वाटर वर्क दिया, और कल से सर्वे शुरू। अच्छा, दूसरे इनसे सर्वे शुरू हुआ और 1 महीने का टाइम दिया, वो सुबह 7-8 बजे आ गए थे, शिलान्यास किया और 1 साल में उद्घाटन, मतलब ये गर्व की बात है, ये आप अगर बहुत पुरानी बात है। हाँ, 73
ये जो 73 की बात है, ये जो पानी की टंकी बनी हुई है, वाटर वर्क्स बना हुआ है ग्रामीण क्षेत्र का, जिले का, और ये शुक्लागंज में भी वाटर वर्क्स नहीं था जब यहाँ हुआ, ये हमें गर्व महसूस हुआ। और वो भी आजाद जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ था और किया था अनावरण विद्याचरण जी से मिला, सुरक्षा उत्पादन मंत्री थे भारत सरकार के और प्रदेश के कई मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण शुक्ला जी के भाई जो मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री प्रदेश, तो उन्होंने इसका अनावरण किया। और ये प्रतिमा हमारे पिताजी ने जनता से सहयोग चंदा लेके अच्छा बनवाई, गांव के लोगों ने सहयोग किया उस जमाने में, क्षेत्र के लोगों पार पार वो साइकिल से निकल जाते थे, अगर कोई व्यक्ति एक आना भी दे रहा है तो वो भी बहुत खुशी मन से लेते थे। और इस तरह से कई साल पैसा इकट्ठा हो गया था और वो जयपुर स्वयं जाके वहाँ पे उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद जी राज्यपाल थे, तो राजभवन गए थे, गए वहीं रुके और वहीं कारीगरों से ये प्रतिमा का निर्माण करवा के तब लाए थे। अच्छा, ऐसी प्रतिमा आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगी। अभी पिछले महीने हम दोनों लोग इलाहाबाद गए थे, तो जहाँ उनका वो हुआ अल्फ्रेड पार्क, वहाँ भी हमने मूर्ति देखी, तो मतलब जो चीज़ यहाँ की मूर्ति में वो चीज़ वहाँ। अल्फ्रेड पार्क को लेकर तमाम कहानियाँ चलती हैं कि मुखबरी की गई या क्या हुआ, उसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? वो एक मिथक बना चर्चाएँ होती हैं। 27 फरवरी 1931 को जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि उस दिन करीब 10 बजे हमारे पास खबर आई कि बाहर एक युवक बुला रहा है, आपसे बात करना चाहता है। और उन आनंद भवन में हाल में उस समय कांग्रेस नेताओं की बैठक चल रही थी, बड़े बड़े नेता थे वहाँ, सब मालवीय जी वगैरह, मोतीलाल जी भी थे। तो खैर नेहरू जी बाहर जब निकल गया है तो उन्होंने जब मिले इनसे, पूछा भाई क्या बात है, क्या नाम, कहाँ से आए, तो उन्होंने सीधे उनको बता दिया मैं चंद्रशेखर आज़ाद हूँ। यह नाम सुन के नेहरू जी थोड़ा विचलित से हुए थे। उस समय जैसा उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में भी कि उस आज़ाद ने हमसे पूछा कि थोड़े ही दिनों बाद देश को आज़ादी मिल जाएगी, अंग्रेज लोग तो चले जाएंगे छोड़ के, लेकिन आप हमें यह बताओ कि जो क्रांतिकारियों पर या आज़ादी के सेनानियों पर जो मुकदमे चल रहे हैं, जो जेलों में बंद हैं, फरार हैं लोग, उनके ऊपर क्या मुकदमा और धाराएं वही चलती रहेंगे कि वो सब समाप्त हो जाएंगी, सजाएं समाप्त हो जाएंगी सब? तो नेहरू जी ने कहा नहीं, वो सब चलती रहे। तो नेहरू जी ने भी लिखा है कि उस युवक ने बहुत ही गर्मी से बात की, बहुत ताव से बात की हमसे, लेकिन हम फिर उसको छोड़ के तुरंत अंदर हो गए और उसी के बाद ये अल्फ्रेड पार्क चले गए और पुलिस ने घेर लिया। सर नाट बाबर, वो CID का SP था, उसके नेतृत्व में पुलिस दल ने घेरा और वहीं गोली चली। नाट बाबर ने पहली गोली चलाई थी आज़ाद जी पे, जो उनकी जांग पे लगी। उसके जवाब में आज़ाद ने जो गोली चलाई वो नाट बाबर के हथेली पे लगी दाहिने हाथ में, जिसमें रिवाल्वर तो दूर गिरा उसका, गट्टा भी चला, फिर टावड़ तोड़ गोलियाँ चलती रहीं। लेकिन ऐसी विषम विकट स्थिति में भी उनको अपनी प्रतिज्ञा याद रही, एक गोली वो हमेशा अलग रखते थे, जब वही केवल बची तो वो गोली अपने कनपट्टी पे मार के प्रतिज्ञा पूरी की और शहीद हो गए। तो जब ये आंदोलन चला रहे थे आज़ादी के लिए, तो कभी उस वक्त कभी गांव या इस जगह आने गाँव आए हैं, उन्हीं के क्रांतिकारी साथी लोग जो जन्मदिन पे आते रहे, बीच बीच में आते थे, बहुत संस्मरण उनके सुनाते थे। अच्छा, तो मुझे याद है सबको। किस तरह के बताइए? जैसे एक बार वो झांसी से चल के महावीर प्रसाद जी, उनके अनन्य क्रांतिकारी साथी थे, रायबरेली के रहने वाले थे गाँव के, तो वो झांसी से पैदल चल के कानपुर आए। दोनों लोग 3 दिन लगे उनको रास्ते में, DAV कॉलेज कानपुर में एक हॉस्टल में इन लोगों का एक कमरा सुरक्षित रहता था,
जहाँ ये गुप्त नाम से विद्यार्थियों के रूप में रहते थे। ये तो इलाहाबाद में लोग बताते हैं कि वहाँ पे जो रुकते थे, हाँ, कि ये कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं, लड़के हैं, सब युवा थे, तो रात में यहाँ पहुँचे। यहाँ कुछ और लोग भी थे साथी, तो आज़ाद जी तो आते ही आते ज़मीन में धोती अपनी आधी बिछा के लेट गए, खर्राटे भरने सो गए। क्रांतिकारी साथी थे महावीर प्रसाद, जो साथ में आए थे, तीन दिन पैदल चल के थके थे, भूखे भी थे, तो उन लोगों ने कहा कि भैया से आज पैसे लो। इन्हें दल में भैया भी कहते थे कि भैया से पैसे लो, कुछ खाने के लिए सामान लाओ। आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, जगाए कौन इनको। खैर, महावीर प्रसाद चूँकि काफ़ी नज़दीकी विश्वसनीय थे, इन्होंने जगाया और कहा भैया कुछ पैसे दो, हमारे भी भूख लगी, आप भी भूखे होंगे और सब लोग भूखे बैठे, तो कुछ खाने के लाए। तो उन्होंने मात्र दो आने निकाले कि ले आओ, इसी में ले आओ, लैया चना है गुड़ जो मिले ले आओ। तो उन लोगों ने कहा नहीं, आज कम से कम एक रुपया दो, तो पूरी सब्जी लाए, तो पेट भर के खाएं। तो उन्होंने झपट दिया कि पैसा खाने के लिए नहीं है, ये देश के लिए पैसा हमने है, जब आज भारत माता आज़ाद हो जाएगी तब हम पैसा देंगे, ये पैसा खाने के लिए नहीं, दो आने हैं ले जाओ। तो बैठ गुजर बसर किया उसमें दो आने। तड़के के समय सुबह सुबह फिर आज़ाद जी ने उनको जगा दिया, महावीर प्रसाद को उठाया कि चलो मेरे साथ, चल दिया पीछे। और ये बता रहे थे यहीं पे कि चलते चलते जब लालिमा सूर्य भगवान की निकलने लगी और हम पूछ भी नहीं सकते थे भैया आप कहाँ चल रहे हो, तीन दिन तो झांसी से चलने में हुआ, अब फिर चलो गिरते पड़ते नंगे पैर। तो पहले जब काफ़ी कुछ उजेला छिटका तो ये गांव के अंदर एक गली में प्रवेश किया इन्होंने, तो सोचा कि यह शायद हो सकता है गांव इनका हो। चलते चलते एक घर की कुंडी खटखटाई, तो महावीर प्रसाद बता रहे थे कि हमें पूरा विश्वास हुआ कि यही घर होगा, घर आए। कुंडी खटकाने के बाद एक दरवाज़ा खुला तो वृद्ध माता जी बुढ़िया निकली और जैसे ही उनको देखा सीने से चिपटा दिया और चिपटा के अंदर ले गई, दुबली पतली थी लेकिन वो चिपटा के अंदर ले गई खींचते हुए और बैठ गए। इनको बैठा ला तखत पे, तो ये बैठते ही बोले कि अम्मा भूख लगी बहुत तेज, कुछ खाने को तो लाओ। वो माता जी तो कहीं बाहर निकल गई घर की, और तीन रोटी थोड़ी सी सब्जी कहीं से लाई, बासी रोटी खाना था वो, जिसमें दो रोटी उन्होंने खाया, एक रोटी महावीर प्रसाद जी को दिया और पानी पिया और बोले चलो। तो माता जी तो खैर चिपक के उस समय बता रहे थे बहुत रोई, पकड़ लिया इनको जबरन कि अब हम तुम्हें चंदू जाने नहीं देंगे, हमारा भी अब बुढ़ापा का शरीर है, कब प्राण निकल जाए, अब तुम यहीं रुको, घर पे रहो, शादी आदी करो तो हमें भी कुछ सहारा मिले। लेकिन इन्होंने उनको बहुत कस के ज़मीन पे झटक दिया, गिर पड़ी, रोने लगी थी वो। तो महावीर प्रसाद ने कहा भैया ये माता जी हैं, इस तरह से धक्का दे दिया, रुक जाओ शाम तक, रुक जाओ शाम को चलना। तो इन्होंने उनको डांट दिया था कि दोबारा ऐसी बात मत कहना, देश में करोड़ों माताएं रो रही हैं, जब उनका रोना बंद हो जाएगा तब हम यहाँ अपनी माता के पास आएंगे, चलो यहाँ। और निकल गए। बहुत किस्से संस्मरण है उनके। कागजात आपके पास किस तरह के रखे हैं? कागजात सामग्री आपने एक बार गांव भी चल ले, वो जो घर 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 भी दिखाएंगे, तो चित्र हम अब इसकी जगह चित्र रखेंगे। तो फिर इंदिरा जी ने पत्र यहाँ भेजा पिताजी को, पिताजी के चित्र लेके दिल्ली गए, फोटो उनकी एक बनवा, अच्छा वो इंदिरा जी ने वहाँ भेजा। वो 73 में 7 जनवरी के दिन जन्मदिन पर बहुत ही बहुत मिलिट्री के अधिकारियों की कस्टडी में वो यहाँ लाया गया और उसका पेटी यहीं खुली थी, पैट था, यहीं खोला और पहला और अंतिम सार्वजनिक प्रदर्शन यही हुआ उनकी जो मौजा बंदूक, हाँ, उसके बाद यहाँ के बाद शाम को वो संग्रहालय इलाहाबाद चला गया था, वहाँ रखा है। वो आजाद जी उसको बंसल बुखारा कहते थे। अच्छा, हाँ, कई बार भगत सिंह वगैरह साथियों ने आजाद जी से पूछा भाई कि आप अपना पता तो बता दो घर का,
कौन कौन घर में है, घर का पता तो बताओ, अगर कहीं अचानक कोई घटना हो जाए और जान चली जाए तो घर तक तो खबर पहुंचे, तो वो डांट देते थे कि आज के बाद दोबारा घर से क्या मतलब तुमको, हम हैं देश के लिए काम कर रहे हैं, हम हैं कि घर वाले हमारे हैं, पूरा देश हमारा घर है, तो आज से इस तरह की बात मत पूछना घर का पता, तो फिलहाल उन्हें शूट कर देंगे। अच्छा, ये कह देते थे, बहुत गर्म दिमाग भी थे। तो हमारे पास कुछ दस्तावेज जो भाई साहब के पास है शुक्ला जी के पास, वो लेके आए हैं वो दिखाने के लिए हमको। क्या दस्तावेज है ये है आजाद स्मारिका जी, चंद्रशेखर आजाद की 80वीं जयंती 7 जनवरी 1986 को प्रकाशित हुई थी। अच्छा, और शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक समिति ने प्रकाशन किया था इसका जी, और इसमें आजाद जी का पूरा ऐतिहासिक जीवन परिचय भी है। अच्छा, तो बहुत ही क्रांतिकारी लोगों ने भी लिखा है जी, और साहित्यकारों ने प्रमाणित इतिहास है उनका जिसे आज तक झुठलाया नहीं जा सकता। भ्रमित तो लोगों ने बहुत किया, किताबें लिख लिख के इनके नाम से धंधा किया, पुस्तकों लिख के पुस्तक पैसा पैदा किया, और इतिहास सारा इनका जीवन विवादित कर दिया था। ये तो माता जी यहीं रही 1951 तक, तब कोई विवाद कहीं नहीं था, निर्विवाद था। बोला आप कह रहे इतिहासकारों ने तमाम चीजों को लेकर भ्रम फैलाया जी, चाहे वो जन्म स्थली को लेकर हो, चाहे जन्मदिन को लेकर हो, तारीख को। अच्छा, पूरा भ्रमित कर रखा था, और वो भ्रमित करने वाले क्रांतिकारी दल के ही लोग थे बुंदेलखंड क्षेत्र के, जो अंत में अंग्रेजों की मुखबिरी करने लगे थे, आजाद जी की मुखबिरी करते थे, जिन्हें आजाद जी ने सूट करने का आदेश जारी कर दिया था, इनको 5 को सूट कर दो, खत्म करो इनको, ये गद्दार हमारे साथ। इस दौर क्या क्या है, ये संदेश हैं लोगों के। अच्छा, ये उस समय अरुण कुमार बेट जिलाधिकारी उन्नाव के थे, उनका संदेश है। ये विद्याचरण शुक्ला जी हैं, पीएन मिश्रा हैं, आरसी श्रीवास्तव जी हैं, नरेंद्र मोहन जी हैं, दैनिक जागरण प्रकाशन समूह के संपादक थे जी, जी, जी। ये श्याम सूरत उपाध्याय थे जी, ग्राम विकास पंचायती राज मंत्री, लोकपति त्रिपाठी थे, स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय जी, जी। ओम प्रकाश रिसारिया राज्य मंत्री थे प्रदेश सरकार में, ये लिखा हुआ उन्होंने। शिवबालक पासी मंत्री जी थे, जगदीश टाइटलर जी थे भारत सरकार में राज्य मंत्री नागर विमानन, जिनके इन सब महानुभावों राजनेताओं कृष्णचंद्र पंत, ये उनका है संदेश था। ये तब छपी थी 1986 जी, 1986 80वें जन्मदिन पर। और ये कुछ तस्वीरें हमारे यादगार चित्र भी है इसमें जी, ये 7 जनवरी 1973 का चित्र है, प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री बेनी सिंह अवस्थी जी हैं, केंद्रीय सुरक्षा उत्पादन मंत्री विद्याचरण जी शुक्ला हैं, हमारे आजाद ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित चतुर्भुज जी शर्मा हैं, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री कानपुर के नगर प्रमुख जागेश्वर प्रसाद त्रिवेदी, और ट्रस्ट समिति के मंत्री डॉक्टर ब्रजकिशोर शुक्ल जी इस चित्र में बैठे हुए हैं। और ये चित्र है 67वें आजाद जन्म दिन का, 7 जनवरी 1975 का, यहाँ पे बहुत विशाल कार्यक्रम में प्रदेश की खाद्य मंत्री थी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी बिमल दा कृष्ण सहाय श्रीवास्तव अध्यक्ष जिला कांग्रेस, देवदत्त जी मिश्रा जो क्रांतिकारी भी रहे और दैनिक विश्वमित्र के संपादक भी थे, आजाद ट्रस्ट के मंत्री हम डॉक्टर ब्रजकिशोर शुक्ला लोग बैठे हैं। ये है 77वें जन्मोत्सव पर। आप इंदिरा गांधी जी की तस्वीर भी दिखा रहे थे। हाँ, इंदिरा जी भी आई थी। वो कब आई थी? 1966 में आई थी। और ये आई थी यहाँ के जाने के बाद ही वो पीएम हुई। अच्छा, हाँ, जब यहाँ आई थी प्रधानमंत्री नहीं थी। हाँ, सूचना प्रसारण मंत्री थे जी, ये इंदिरा जी आई थी यहाँ पर 7वें जन्मदिन का, आजाद जी के 60वां जन्मदिन था, 7 जनवरी 1966 को। ये नारायण दत्त तिवारी जी हैं, आजाद जी के घर पे जहाँ जन्म हुआ था उनका, पुराना घर कच्चा था, गिर रहा था, उसका
नव निर्माण कराया था, उसके आधार से ला रखी। ये कब हुआ था? यह सन 1985 में हुआ था। 85 में जी, 7 जनवरी 85 में वो दोबारा घर जीर्णोद्धार हुआ था। हाँ, फिलहाल आप लोग बता रहे हैं खस्ताहाल कंडीशन। हाँ, वो भी अब गिरने वाला है। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे 78वें जन्मदिन समारोह पर 7 जनवरी 1984 को, और इनके साथ में उद्योग राज्य मंत्री अमीन अंसारी, शिक्षा मंत्री सच्चिदानंद वाजपेयी, कृषि मंत्री राम रतन सिंह, कई मंत्री लोग थे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के। ये जनवरी में कर्नाटक प्रदेश के राज्यपाल थे पंडित उमा शंकर जी शुक्ला जी, जो यहाँ पेयजल योजना का इन्होंने अनावरण किया था, वो आए थे। तो यहाँ पे उमा शंकर जी थे, क्रांतिकारी लोग थे, और इसमें बहुत ही कविताएं, गीत भी आजाद जी के गीत में जाहिर किया है। ये आप देखें, ये इंद्र गोपाल अवस्थी हैं, इन्होंने लिखा था। ये एक लाइन है, 7 जनवरी 1906 ग्राम बदर का उन्नाव मध्य पंडित सीताराम के गृह में क्रांति दूत उपजा था देश का, पूरी गीत दी है। इस तरह से काफ़ी गीत और साहित्य में, पद्य में, लेखों में अब विनयराज अग्रवाल जी का लिखा हुआ है। ये भी दैनिक प्रताप, जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी का अखबार था, उसमें इनका लेख छपा हुआ था, और ये 27 फरवरी 1959 को ये लेख छपा था। बलिदान दिवस था 27 फरवरी आज़ादी का, उस तिथि में विनयराज जी का ये लेख, जिसे हो बहु स्मारिका में रखा गया है, इन्होंने भी लिखा हुआ है, उस समय लिखा था 59 में। 52 वर्ष पूर्व उन्नाव जिला अंतर्गत बदरका नामक ग्राम में रहने वाले सीताराम तिवारी के घर 7 जनवरी को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ, पूरा लेख है। ये दैनिक प्रताप विद्यार्थी जी का अखबार था, गणेश शंकर जी का, उसमें छपा था 27 फरवरी इसके पहले बदरका के अलावा, मतलब आज़ाद जी के अलावा पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी क्रांतिकारी की और शहीद की जयंती नहीं मनाई गई। सिलसिला यहीं की नकल शुरू की। खैर, वो अच्छी चीज़ है कि उन्होंने, ऐतिहासिक लेख है ये सत्यनारायण तिवारी जी का लिखा हुआ है, जो इन्हीं के पारिवारिक थे। अच्छा, सगे पारिवारिक लोग थे तिवारी जी, उन्होंने लिखा था। और ये यहाँ के दैनिक जागरण के 7 जनवरी 1962 के अंक में विशेष रूप से प्रकाशित हुआ था, वो लेख उनका पूरा यहाँ लिया गया है। ऐतिहासिक लेख है, ऐतिहासिक लोग, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़े जो पुराने लेख पुराने हैं, लेख जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, उसमें किताब प्रकाशित, वो मतलब कोई मनगढ़ंत किस्से नहीं है, आज भी अकाट्य हैं, प्रमाणित हैं। और क्या दस्तावेज लाएंगे? ये स्मारिका है, एक ये स्मारिका है, देखिए 2007 में छपी है। जी हाँ, 2007 में छपी थी। ये चंद्रशेखर आज़ाद जन्म शताब्दी समारोह समिति में, और इसके संपादक थे दीपका दुग्गल जिलाधिकारी उन्नाव थे, इसमें ओएन सिंह मुख्य विकास अधिकारी, राजेश शुक्ला संयुक्त सचिव, और अशोक वाजपेयी अध्यक्ष, माननीय कृषि मंत्री उस समय प्रदेश के कृषि मंत्री थे। तो ये स्मारिका छपी थी विशेष तौर से, इसमें मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उस समय, तो इनका भी संदेश है। ये देखिए, मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हुआ, जिला प्रशासन उन्नाव अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जन्मोत्सव समिति बदरका उन्नाव के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 6 जनवरी 2007 से चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मशती समारोह का आयोजन उनकी जन्मस्थली ग्राम बदरका में हो रहा है। तो मतलब कुल मिला के आप इन किताबों से बताना चाह रहे हैं कि कोई इसको लेकर, ये मात्र किताबें नहीं हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर हो गई, आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित हम रखे हैं। बहुत अच्छी बात है, वरना तो कोई इनका इतिहास, कोई नाम आज नहीं जानता कि आज़ाद कहाँ के थे, कौन थे, क्या किया इन्होंने।
आज भी आप चले जाएं किसी प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, वहाँ पढ़ने वाले लड़के लड़कियों से अब आज़ाद जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजगुरु के संबंध में पूछिए, शायद ही कोई नाम बता दे। कह रहे हैं कि कुल मिला के उनके साथ वो जो इंसाफ होना चाहिए था जी वो नहीं हुआ, कुछ नहीं, जो प्रसिद्धि उनको मिलनी चाहिए थी, जो जानकारियां लोगों को उनके बारे में होनी चाहिए थी, उसको पहुंचाने के प्रयास जो होने चाहिए थे वो नहीं, सब दब गया, छिपा हुआ। आप बता रहे थे आपके पास उनकी वो जन्म कुंडली, क्या बता रहे थे? जन्म कुंडली भी है, हम भी आपको दिखा रहे हैं। ये नवीन चंद्र वाजपेयी IAS थे और सचिव थे सरकार में, प्रदेश सरकार में, उनका संदेश है, इस तरह के संदेश हैं और ये बहुत ही धरोहर चीज़ है। ये भी स्मारिका गीत आज़ाद जी के जीवन परिचय गीतों में भी व्यक्त किया है, लिखा भी हुआ है और सारा इतिहास भी है, कुछ चित्र भी पुराने हैं इसमें जो आप देख सकते हैं। ये तारा अग्रवाल का एक संस्मरण है जो यहाँ सुनाया करते थे, आती थी कानेपुर की थी। अच्छा, क्या संस्मरण है? आज़ाद जी ये कानपुर में दूध वाला बंगला था कचहरी के पास, वहाँ इनका आवास था, बंगला था, और ये क्रांतिकारियों के आज़ाद जी के बहुत ही ये घर में पनाह देते थे, गुप्त नाम से, गुप्त रूप तरीके से आते थे, उनके यहाँ रुकते थे। ये भी क्रांतिकारी विचारों, इनके पति प्यारे लाल अग्रवाल जी भी क्रांतिकारी थे, यातनाएं भी सही थी, तो ये उन्होंने संस्मरण लिखे थे। वो जब यहाँ स्वयं खड़े होकर सुनाती थी मंच पे जनता के सामने, तो आंसुओं के धार बह निकलती थी, सुनने वाले लोग भी रोने लगते, आंसू आ जाते थे, ऐसे ऐसे संस्मरण हैं सब इसमें, और जो आज भी जीवन था बिल्कुल ये गीतों में है। ये विष्णुकांत शास्त्री जी आचार्य जो यहाँ के राज्यपाल थे वो भी आए थे, श्री राम नाईक राज्यपाल भी रहे, करीब 7-8 राज्यपाल लोग। ये आज जो भारत के रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार, राजनाथ सिंह जी 2-3 बार आए जन्मदिन समारोह में, श्रद्धांजलि अर्पित की यहाँ पे। ये कलराज मिश्रा जी भी आए, कई लोग आए, कुल मिला के नेता खूब आए, पर जो आना चाहिए था, जो होना चाहिए था, जैसा विकास होना चाहिए था, जो प्रसिद्धि इस गांव को, क्षेत्र को मिलनी चाहिए थी, उसके लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वो पर्यटक स्थली के तौर पर इसको डेवलप किया जाता, बस नाम मात्र को, कहने भर को कुछ ना के बराबर काम हुआ है। अब 50 लाख अभी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया था, इसका कुछ महीना पीछे बाउंड्री तो बहुत पहले बन गई थी। अच्छा। अब कुछ थोड़ा बहुत निर्माण काम अंदर धीरे धीरे सनई सनई चल रहा जैसा तैसा, लेकिन अब 50 लाख आज़ाद जी का स्मारक भवन एक बना है जो हिंदुस्तान का किसी क्रांतिकारी के नाम पर देश के अंदर पहला स्मारक बना था वर्ष 1959 में, और जिसको पूरी तन्मयता और लगन के साथ बनवाया था डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जो समय मुख्यमंत्री थे, आज़ाद जी इन्हीं के विद्यालय में पढ़े थे, उनको देश से लगाव था, तो वो बड़े मनोयोग के साथ ये स्मारक तैयार करवाया था, इसका शिलान्यास भी उन्होंने किया, इसका अनावरण भी उन्होंने ही किया, जो देश का पहला स्मारक है किसी शहीद के नाम का, आज जो भी खड़ा है। ये हम लोग विकास और तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये मंत्रिपरिषद के आदेश नाम कुछ डॉक्यूमेंट आपने, ये देखिए आपको बता रहे हैं, सन 2006 जन्म शताब्दी समारोह था आज़ाद जी का, उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने एक हाई पावर कमेटी गठित की थी जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद आजम खान, नगर विकास कार्य मंत्री कोकब हमीद, पर्यटन मंत्री, ये लोग सदस्य थे, इस तरह से 7 मंत्री सदस्य थे, ये कमेटी गठित की थी। और ये मंत्रिपरिषद के लिए टिप्पणी, ये कागज आ गया साफ नहीं है, इसमें जांच पड़ताल हुई थी उस समय, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की सचिवों की संयुक्त टीम बनी थी,
वो जांच करने गई थी आजाद जी कहाँ जन्म हुआ था इनका और किस तारीख में हुआ था। भावरा भी गई थी उसके बाद यहाँ आई। तो यहाँ आने के बाद ये जांच रिपोर्ट प्रेषित हुई थी जिसकी भारत प्रदेश सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी थी। भारत सरकार भी अधिसूचना जारी कर चुकी है। इसके अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की गणना विश्व के उन अमर शहीदों में की जाती है जिन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व के अन्य साम्राज्यवाद से त्रस्त देशों की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म जनपद उन्नाव के ग्राम भदरका में हुआ था। जन्मस्थल का स्थलीय निरीक्षण तथा प्राप्त सबूतों साक्ष्य के अनुसार इनकी जन्मतिथि 7 जनवरी 1906 की पुष्टि होती। यहाँ माता जी रहती थी। माता जी से बढ़ के कौन बता सकता कि हमारा बच्चा कब जन्मा। हजारों किलोमीटर दूर के लोग बताएंगे कि हम कब जन्मे। तो ये उसमें एक प्रस्ताव हुआ था। इसमें फैसले क्या किए गए थे कि क्या होना चाहिए। तो ये तो फाइंडिंग हो गई। ये हुआ था ग्राम भदरका जिला उन्नाव एवं अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद जहाँ वो शहीद हुए थे में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन उस समय। हाँ, भदरका एवं अल्फ्रेड पार्क में स्मारकों का जीर्णोद्धार ये सरकारी प्रस्ताव थे मुख्यमंत्री स्तर के। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के स्मारक स्थल भदरका की देखरेख एवं प्रतिवर्ष 7 जनवरी को होने वाले जन्मदिन कार्यक्रम के आयोजन हेतु शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक ट्रस्ट समिति को 5 लाख का वार्षिक अनुदान मिलता है। ये बस उसी साल आया था पैसा, लेकिन ये पैसा ट्रस्ट समिति के हाथ में नहीं है, ये CDO के खाते में, मुख्य विकास अधिकारी के खाते में और 9 बैंक में आज भी है। ये तब आया था, तब का रखा हुआ है, कोई उपयोग नहीं इसका, उपयोग नहीं हुआ। और देखिए आप चंद्रशेखर, ब्याज आ रहा है उसका, है ब्याज बढ़ रहा है। ये देखिए शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के जन्म स्थान भदरका में उनकी माता जी स्वर्गीय श्रीमती जगरानी देवी के नाम पर एक बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना हुआ। कुछ नहीं हुआ, ये सरकारी व्यवस्था शिक्षा के नाम पे जो है वो बालिकाओं के लिए केवल बरसों पुराना प्राइमरी स्कूल है कक्षा 5 तक या भदरका। हाँ, और बच्चों के लिए कक्षा 8 तक जूनियर स्कूल जो बरसों पुराना है। इसके अतिरिक्त तो कोई हाई स्कूल सरकारी या इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज की तो बात छोड़ो, ये तक नहीं हो पाया आज तक। बहुत प्रयास किया गया, वादे आश्वासन शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री तक सब कर गए कि इंटर कॉलेज खुलेगा डिग्री कॉलेज बनेगा। इसके लिए करीब 6 बीघे ज़मीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को हमारे पिताजी ने कागजात सौंप दिए थे। ये ज़मीन है, ये ज़मीन हम दे रहे हैं निःशुल्क, केवल आप भवन बनवा दो, विद्यालय चल गया। लड़कियों के लिए तो बहुत दुरूह है शिक्षा, यहाँ आसपास कोई इंटर कॉलेज नहीं बच्चियों को। और आज के समय में परिवार के लोग बच्चियों को बाहर नहीं जाने देते पढ़ने के लिए, जो सक्षम है वो प्राइवेट फॉर्म भरवा देते, पढ़ लेती किसी तरह घर में रह के। सबसे ज़्यादा संकट शिक्षा की यही है, और जबकि वादे बहुत होते हैं। उन्नाव के समस्त विद्यालयों में इस तरह के बहुत हैं। और ये था विजय शंकर पांडे, उस समय प्रमुख सचिव थे राष्ट्रीय एकीकरण विभाग। 19 जून 2006 को यह हुआ। 2006 को एक लंबा चौड़ा एक चिट्ठा जारी हुआ जिसमें तमाम वादे किए गए, और वादे जमीन पर कितने उतरे ये सामने आप बताने के लिए बैठे हैं। अब ये देखिए एक पत्र है, बीके दुबे संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, कब का है, 2006 का। इन्होंने लिखा था निदेशक संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश जवाहर भवन को। शहीद चंद्रशेखर आजाद जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों कराए जाने के संबंध में, तो इन्होंने हर जनपद के उस समय हर जिलाधिकारी के पास 1-1 लाख रुपया दिया था आज़ाद जयंती समारोह मनाने के लिए शासन द्वारा। ये पुराने पत्र हैं हमारे पास, तो बहुत ढेर है इनका, पुराने पत्रों का। ये संपूर्णानंद जी का है। अच्छा। सन 1962 का, जब ये गवर्नर थे जयपुर में, ये हमारे पिताजी के नाम से था। इस तरह से तो बहुत हैं,
खड़े पड़े, ये तो अभी चार छः हैं इसमें, बाकी मिला के बैठे तो हम सब नेता हर सरकार के हर पार्टी के यहाँ आए। हम लोग चल के एक बार घर भी देख लें, आप तो जो कह रहे हैं। ये देखिए आप, सन 1996 22 नवंबर का पत्र है, बी सत्यनारायण रेड्डी का, ये यहाँ पे आए भी थे और उसके अगले साल उनको आमंत्रित किया था, तो ये पत्र लिखा है आपका कपा पत्र 4/11/96 आज शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद के 91वें जन्मदिवस समारोह को मनाने है, निमंत्रण पत्र आज ही प्राप्त हुआ और यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद का 51वां जन्मदिवस समारोह 7 जनवरी 1997 उनके पावन जन्म स्थान ग्राम भदरका में मनाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिनांक 7 जनवरी 1991 को इस पुण्य अवसर पर मुझे इस समारोह में भाग लेने का अवसर मिला था। इस बार भी 7 जनवरी 1997 को होने वाले समारोह में भाग लेकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपने मुझे इस वर्ष के समारोह में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। कृपया इस समारोह के बारे में स्थान समय लिखें। ये उनका पत्र है। इस तरह से पत्रों के भी आज़ाद जी का तो बहुत भंडार है। हम लोग एक बार चल के अब ये घर में एक चीज और जी जो उनका जन्मांक। अच्छा अच्छा ये देखो जी, बहुत सुरक्षित संजो के रखे हैं, यहाँ बड़ा नुकसान भी हो जाता है। जी जी बहुत ही कार्ड था तो आजाद जी के हाथ के लिखे पोस्ट कार्ड थे जो यहाँ हमारे यहाँ थे। अच्छा, जिसमें वो अपनी बात बड़ा छद्म भाषा में लिखते थे और बाबा के नाम से आते थे। ये देखिए ये उनका जन्मांक था, नष्ट हो रहा है। सरकार ने तो वादा किया था कि यहाँ संग्रहालय ऐसा बनाएंगे, राष्ट्रीय संग्रहालय, जिसमें आज़ाद जी का सारा सब कुछ आप रखें, लेकिन आज तक एक ईंट नहीं कहीं नहीं बन पाई। अब किसी तरह सुरक्षित रखें, ये भी क्षरण हो रहा है इनका भी, ऐतिहासिक चीज़ें हैं ये। जन्मपत्री है उनकी, ये जन्मपत्री है जो जन्म के बाद ही तुरंत यहाँ उनकी माता जी ने बनवाया था। जन्मपत्री श्री चंद्रशेखर त्रिपाठी, ग्राम भदरका, जिला उन्नाव। देख रहे हैं आप कितने सारे किस्से सुनने मिले। वो किस्सा मुझे ख्याल से रिकॉर्ड अभी नहीं हुआ है जो उनकी बाउजर वाला है, इंदिरा गांधी वाला, वो आधा बाउजर वाला रिकॉर्ड करते वक्त हम चलते हैं। उनका एल्बम हमने तैयार कर रखा है, इसमें चित्र है पुराने चित्र हैं सब। हमें तो गर्व है उनका माउजर, हमको हाथ में उठाया देखा। तुम कहाँ हाथ में उठाया? अरे तुम कैसे नहीं, यहाँ रखा गया ने बोला। हमने कहा इसको कैसे रखे हो, जहाँ आया था रुक जाओ यार, तो हमको रोका जो सिक्योरिटी थी, तो हमने एक ईंटा लिया उसके ऊपर, हमका ऊपर रखो ये जमीन पे, इतने रखे हो टेबल पे, तो हमको सार्वजनिक प्रदर्शन किया देखा, बोला करो गलत बात। ये इंदिरा जी का साफ करवा लगवाइए। सरदार भगत सिंह के भाई थे कुलतार सिंह, यहाँ 3 बार जन्मदिन पे। हाँ, ये जनता पार्टी की सरकार थी तो विधानसभा अध्यक्ष थे बनारसी दास, ये वीरेंद्र स्वरूप जी थे विधान परिषद के अध्यक्ष, और ये सारे मंत्री जहाँ राज्य मंत्री केंद्र सब राजनाथ सिंह, गीता बगुणा, मतलब कोई मंत्री किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, ऐसा नहीं कि यहाँ लाइन लगाते आए सब हैं। हाँ, वादे सब कर गए, वादे सब कर गए, सब कर गए, लेकिन कुछ नहीं। ये उस्मान आरिफ राज्यपाल जी थे, मोहम्मद उस्मान आरिफ आए थे, आदर्श राज्यपाल आए, मुख्यमंत्री आए,
स्टेशन हमारा कर्नल लक्ष्मी सहगल आजाद हिंदू की फौज में थे, सुभाष चंद्र के साथ। ये आजाद जी के भी क्रांतिकारी साथी भी थे, सुभाष चंद्र बोस की सेना में थे जी। बीवी केसकर जी, अच्छा, हाँ, सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज में कैप्टन थे और उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे भारत सरकार के। दैनिक प्रताप गणेश शंकर वाला पेपर था जी, वही उसी कटिंग है 1959 की, हाँ 27 फरवरी, हाँ बलिदान दिवस पे प्रकाशित थी। ये बहुत पुराना अखबार था नवजीवन, 4 जनवरी 1965 को प्रकाशित हुए थे। उसमें चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद से जिसको हम बता रहे थे, हम मास्टर साहब थे नंदकिशोर निगम, उनके लेख वगैरह थे। वतन पर मिटने वालों का यह साप्ताहिक परिशिष्ट में विशेष रूप से प्रकाशित हुआ था दैनिक जागरण पूरा प्रस्थान। आजाद जी का पहले कच्चा घर ये था, ये दरवाजा लगा, छोटा सा घर है, अब ये बना दिया। सोनिया गांधी आई थी कानपुर 9 अगस्त 1906 में, क्रांति दिवस मनाते हैं, उस समय बोली थी, फूलबाग में थी। उनका पहला संबोधन यही हुआ था, इस समय देश क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म शताब्दी मना रहा है, कानपुर आज़ाद की कर्मभूमि रहा है और पड़ोसी जिला उन्नाव उनकी जन्मभूमि था। ये इस तरह शुरुआत की थी। भाषणों में खूब जिक्र है सभी पार्टियों की, पर वही है जमीन पर क्या है तो देख ही रहा है। हाँ आवाज देख ले बच्चों के, और एक संस्करण आप सुना रहे हैं, बताइए चलते हैं। एक संस्करण आपको सुना रहे हैं, जब जनता पार्टी का साम्राज्य हुआ 77 में जी, तो एक मंत्री शिवदास तिवारी थे, पर्यटन राज्य मंत्री, तो वो भाषण में अपनी गुणानुवाद करने लगे जनता पार्टी का और अदर पार्टियों का विरोध करने लगे, तो उनको रोका गया। महावीर प्रसाद पांडे जो आज़ाद जी के साथी थे, उन्होंने रोका है, आज़ाद भैया पे बोलो इधर उधर मत भटको, तो उन्होंने फिर बहुत बोलना चालू किया, तो उठे और उनको पकड़ा, उठा के पटक दिया मंच पे, 7 मंत्री मौजूद थे और वो माइक उनके गले में दबा दिया, तो चिल्लाने लगे महकुआ महकुआ, तो हम बगल में थे, हमने कहा महकुआ कोई इनका सुरक्षा गार्ड होगा, तो बोले नहीं माइक से गला दब रहा है इनका, तब वो हटाया गया। हम जब मंत्री जी से मिले वहाँ, बोले ये बताओ वो बुढ़ा कौन था, हमने कहा वो आज़ाद जी का साथी महावीर प्रसाद पांडे, रायबरेली से विधायक अहियार के हुआ करते थे वो थे। बोले बाप रे बाप, उस समय वो क्या हुआ करते होंगे, तो मतलब 7 मंत्री मौजूद, उठा के मंच पे उठाया पटक दिया 80 साल के बुढ़े।